ब्लैक मुंडा पांडे स्थित दलपतपुर में ही फैली गंदगी एवं कचरे के ढेर और चारों तरफ जमी घास। ब्लैक एक ऐसी भूमि होती है जिसके अधिकारियों पर क्षेत्र की सफाई व्यवस्था की जिम्मेदारी सरकार की तरफ से दी जाती है, किंतु जब ब्लैक में ही गंदगी एवं कचरे के ढेर और घास जम जाए तो वो क्षेत्र का क्या सफाई व्यवस्था ठीक करा पाएंगे। ऐसी स्थिति हमारी ब्लैक मुंडा पांडे स्थित दलपतपुर की है, जिसके चारों तरफ घास जमी हुई है और कचरे के ढेर लगे हुए हैं। भारतीय किसान यूनियन के अधिकारी इस विषय को लेकर के काफ़ी नाराज़ दिखे, जिन्होंने ब्लॉक की स्थिति को लेकर के ये कहा। सुनिए आप भी, एक तरफ तो ब्लॉक के अधिकारी व उच्च अधिकारी क्षेत्र को साफ सुथरा रखने के लिए बड़े बड़े दावे करते हुए नजर आते हैं, दूसरी तरफ ब्लॉक के अंदर और बाहर गंदगी को दूर नहीं कर पाते। आखिर ब्लॉक अधिकारियों की ये लापरवाही नहीं तो क्या है? जी नेताजी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शराफत। संगठन से चमरौआ। अरे आप, मैं भी धोरे बैठू। हाँ, भारतीय किसान यूनियन ग्राम अध्यक्ष। आपको हर कोई जानता है, लेकिन फिर भी मैंने दर्शकों के लिए पूछ लिया। ये बतलाइए, ब्लॉक के अंदर जो स्थिति है वो क्या है? ब्लॉक के अंदर ये स्थिति है कि ना तो डोलों में पानी है। अच्छा, अगर पेशाब करने जा रहा है आदमी तो बगैर संजय को वहाँ से वापस आ रहा है। अच्छा, लैट्रीन तक में पानी तक नहीं है भाई, जो गंदगी इतनी, सफाई कुछ नहीं है, जो सफाई किस में जो है? अच्छा, कोई सफाई नहीं है ब्लॉक का, सारी गंदगी फैली हुई है। किधर है गंदगी? लैट्रीनों में मैंने गया परसों, जो मैंने जाके देखा तो एक बूंद पानी नहीं है उसमें, जो टंकी सब में गंदगी है पूरे में यार। सही कह रहे हैं नेताजी? हाँ, पूरे में गंदगी। मैं भी गया इनके साथ। अच्छा, और मैंने भी देखा। वीडियो साहब से बात करी, कोने कोने में गंदगी, मेरा तो ट्रांसफर हो गया। और वीडियो साहब से हम मिले, हमने उनसे भी कहा साहब क्या कर रहे हैं ये, तो जब इनसे अपने ब्लॉक की सफाई नहीं हो रही तो बताओ गाँव की सफाई कैसे हो जाएगी? तो क्या ब्लॉक अधिकारी सोए हुए हैं या लापरवाह? सोए हुए हैं, और हम गए तो कोई भी नहीं अपने मनमानी कर रहे हैं। और मैडम ने ये कहा हमसे, उल्टा ब्लॉक में कोई नहीं बैठेगा, हफ्ते में एक आध दिन ब्लॉक में सेक्रेटरी आते हैं, अब सेक्रेटरी गाँव में रह रहे हैं, पंचायत कर रहे हैं, हमें ये जवाब दिया। अच्छा, आपके संगठन से भी धरने वगैरह लगे? कई दफे लगे और लगा रहे हैं, हम फिर लगाएंगे। इस गंदगी को ऊपर ज्यादा लगाएंगे हम, गाँव में बहुत गंदगी है और बुरा हाल है गाँव में। जब ब्लॉक में इतनी बड़ी गंदगी है कि मच्छरों का हमारा ठिकाना नहीं है, ज्यादा ब्लॉक में जाके बैठ जाओ बीमार हो जाएगा। सुनेंगे सुनेंगे, नहीं सुनेंगे तो हो सके इनके साथ बदतमीजी भी करनी पड़े। हम तो ये इनके तक पहुँचा रहे हैं। बदतमीजी नेता जी? हाँ, ये है कि मतलब अगर काम सही नहीं करेंगे तो बदतमीजी होगी इनके साथ। भाई झगड़ा लगाएंगे, अपनी मांग करेंगे बैठ के, कहीं ना कहीं जाके जो होगा। डी एम साहब से गए, सी डी ओ साहब से गए, हम तो कह रहे हैं सी डी ओ साहब से कह रहे हैं हम, सी डी ओ साहब हमारी बात सुन रहे हो तो कुछ ब्लॉक वालों को टैच करें भाई, उनके हाथ में सारा ब्लॉक का काम, वो बड़े अधिकारी हैं, हमारा काम यही है उन तक पहुँचानी बात, उसके बाद धरना लगाना हमारी मजबूरी होती है। यूँ हम धरने लगाते हैं ना, हमें ये बताओ रोड पे लगाते हैं धरना, हमें क्या जरूरत पड़ी? हमारे धर्म में सब भक्त हैं।